बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील एवं क्षमाशील होना चाहिए। गुस्सा ऐसी आग है जिसमें गुस्सा करने वाला दूसरों को जलाएगा, वे खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से बहुत गुस्सेल एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसी बातें सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। वे इन बातों से ना तो वह दुखी हुए ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा हुआ। वह बुद्ध को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध तब तक अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक दूसरे गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों माफ़ी मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम से कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने पछतावा कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें वे बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर संकल्प किया कि कभी बिना बात के गुस्सा नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गलती होने पर खुद को कोसना ठीक नहीं होता। गलती का एहसास हो जाने पर उसे न दोहराने का वादा खुद से करना चाहिए।